प्रत्येक मोहल्लों में, बस्तियों में जो मिट्टी पूजन के कार्यक्रम हो रहे हैं, मिट्टी पूजन के साथ ही मातृ शक्तियों का पंजीयन हो रहा है, तो यह जो पंजीयन हो रहा है, इन पंजीयनों के माध्यम से ही इस बार 59 दिन तक, चूंकि अधिक मास है इस बार ये, और बहुत लंबे समय बाद ऐसा अवसर आता है कि अधिक मास आता है, इस बार श्रावण में अधिक मास है, श्रावण 59 दिनों तक चलेगा, तो जिनका पंजीयन हो रहा है उन मात्र शक्तियों को 59 दिनों तक, जो यहाँ पर शिवलिंग बनेंगे 3.25 लाख रुद्राक्षों के, उन शिवलिंगों में, उन शिवलिंग में, रुद्राक्षों से निर्मित शिवलिंग में पूरे 59 दिन 24 घंटे ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और वह शिवलिंग बाद में उस शिवलिंग का जब विसर्जन होगा तो उस एक शंकर से लाखों परिवारों में वो रुद्राक्ष जाएंगे, और माध्यम होगा वह मिट्टी पूजन का पंजीयन। जिन भी मात्र शक्ति ने अपने क्षेत्र में पंजीयन करवाया है, वह पंजीयन करने वाली जो मात्र शक्ति प्रमुख है, उनके माध्यम से वो रुद्राक्ष लाखों परिवारों के घर में जाएंगे, एक शंकर से अनेक शंकर होंगे, विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए उन रुद्राक्षों का वितरण किया जाएगा। तो यह जो हमारा जो अनुष्ठान है, इसमें नियमित अलग अलग क्षेत्रों से मात्र शक्तियां आएगी, और इस बार हम जो अधिक जोर दे रहे हैं, वो जोर दे रहे हैं कि मात्र शक्ति के साथ साथ देश की जो अभी हालात बने हुए हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, इस विषय को देखते हुए अधिक से अधिक बहनों का इस अनुष्ठान में पूजन हो, अधिक से अधिक युवा इस अनुष्ठान से जुड़े हैं, ये प्रयास भी हम सबके साथ मिले, हम सबका पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में, पूरे जिले में ये प्रयास किया जा रहा है। यह अनुष्ठान चालू होगा, 29 अगस्त तक ये अनुष्ठान चलेगा। इस अनुष्ठान में एक जय हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा, जो कि पूरे भारत में एक सामाजिक समरसता का संदेश देती है, भारत की अखंडता का संदेश देती है, भारत हिंदू राष्ट्र है इसका संदेश देती है, वो कांवड़ यात्रा ओंकारेश्वर से जल लेके आएगी, महादेवगढ़ चढ़ाएगी, और साथ ही जो मात्र शक्तियाँ यहाँ पर 59 दिनों तक अनुष्ठान में शामिल होगी, और मात्र शक्तियों का भी के माध्यम से भी कांवड़ का जल चढ़े, इस हेतु मात्र शक्ति की कांवड़ यात्रा भी इन 59 दिनों के भीतर आएगी, भोलेनाथ को जल चढ़ाएगी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी कांवड़ यात्रा आएगी, भोलेनाथ को जल चढ़ाएगी, और 24 घंटे 59 दिन तक अखंड ओम नमः शिवाय का जाप इस स्थान से किया जाएगा, और साथ में ही रुद्राक्षों में ओंकार मंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और साथ ही चूंकि अधिक मास है तो इसका महत्व काफी बढ़ जाता है, साक्षात भगवान अधिक मास में भक्त के सामने उपस्थित होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए अधिक मास के महत्व को देखते हुए जो नियमित हमारे अभिषेक हैं, वो भोलेनाथ के अभिषेक भी नियमित 59 दिनों तक यहाँ पर चलते रहेंगे। जो कर्म करते हैं ब्राह्मण वैदिक पद्धति से इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं, हर वर्ष जिस प्रकार से महादेवगढ़ मंदिर पे भगवान का, शिव जी का रुद्राभिषेक होता है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी भगवान का अभिषेक प्रातः रुद्राभिषेक होगा एवं यज्ञ मंडप में मंडलों का स्थापन किया जाएगा।
स्थापित देवताओं का हवन किया जाएगा एवं रुद्र स्वाहाकार के द्वारा हवन भी यहाँ पर किया जाएगा। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह कर्म संपादित किया जाएगा एवं ब्राह्मणों के द्वारा ही यह अनुष्ठान में ओमकार मंत्रों के द्वारा सतत अखंड ओम नमः शिवाय जाप भी यहाँ पर किया जाएगा। लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री, बड़गांव भीला रोड, खंडवा।